अभिनेता अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर के कोर्ट में याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपमानित किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अभिनेता अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, फिल्म के निर्माता और निर्देशक समेत 14 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज हो रही है। पीएम एक्सीडेंटल मनमोहन सिंह पर जो फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसको लेकर के मैं अनुपम खेर, अभिनेता संजय, अक्षय खन्ना के साथ साथ 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जो आईपीसी की धारा 295, 153, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इस फिल्म के प्रदर्शन से 11 जनवरी को फिल्म प्रदर्शित होना है, उसके पहले इस फिल्म को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरीके से इसमें बड़े बड़े नेताओं का जिक्र नाम के साथ और उनका दृश्य को फिल्मांकन की गई है, सुरक्षा पर जिस तरह से फिल्मांकन की गई है, उससे देश को खतरा ही नहीं, देश को अपमानित भी करने का कार्य किया गया है इस फिल्म के माध्यम से। इसको लेकर के मैंने SDGM बेस्ट गौरव कमल जी के अदालत में यह मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि अब अविलंब इस फिल्म का जो रिलीज करना आपराधिक मुद्दा चलाते हुए इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले न्यायालय ने इसे सुनवाई पर रख लिया है, 8 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। SDGM बेस्ट गौरव कमल जी ने स्वीकार करते हुए सबा आलम, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, उनको इस मामले को देखने के लिए आदेश किया है। इसमें देश की सुरक्षा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और देश की छवि को बिगाड़ने के दृश्य का फिल्मांकन किया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर बिहार समेत देश के कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके बढ़ते विवाद के बाद अनुपम खेर ने कहा कि ये फिल्म संजय बारू की किताब में लिखे गए तथ्यों के आधार पर फिल्माई गई है। हमने मूवी सेंसर बोर्ड को दिखाई और फिर वहां से ओके होकर आई है, इसलिए अब मूवी किसी और को दिखाने का मतलब नहीं है।